हेलो गाइस, तो आज मैंने स्टूडियो बैकग्राउंड की किट मंगवाई है, हाईफाइन से मंगाई है, hifin.com अमेजोन से मंगाया है, जो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलो हम ये ओपन करते हैं। चलो हम तो फिर ये ओपन करते हैं। गाइस, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना। और भी आपको ऐसे ऐसे वीडियो मैं बताते जाऊँगी तो आप देखते रहना। आपने जो सब्सक्राइब किया होगा तो आपका मेरा नया वीडियो आपको मिल जाएगा तो आप देख सकेंगे। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना मत भूलना। Nice. ये कंटेंट है, अभी मैं इसको ओपन करके ही बताती हूँ। क्या गजब का है, कितने स्क्वायर फीट का था। अरे यार, कुछ कागज नहीं निकला। ओह माय गॉड, वाओ, क्रैक, माय गॉड। अरे इसमें तो पूरा सब फिट हो जाएगा, बहुत सारा आ जाएगा। देख लीजिए, बहुत बढ़िया है और कपड़ा भी बहुत अच्छा है और नाइस वर्क होगा इसमें। तो मैं ये साइड में रखती हूँ, अभी और क्या निकलता है। ये बॉक्स को हम साइड में रख। अरे यह बहुत हेवी है। अच्छा स्टैंड, ये स्टैंड है। यार ओपन करना तो मुझे नहीं आता है, ओपन कर दो। अच्छा, इधर से ये लॉक ओपन करने का है और ऐसे इसके बाद ये हम जमीन पर रख देंगे, ऐसे लॉक कर देंगे। उसके बाद ये डंडी पूरी ऊपर जाएगी, इसके बाद ये भी डंडी पूरी ऊपर जाएगी। देखो कितनी लंबी चाहिए। खाती आई थिंक 10 फीट की है ये, इससे भी ज़्यादा, बहुत बढ़िया है। और ये हम रखेंगे इधर। उसके बाद है दूसरा स्टैंड है, उसका ऐसा ही स्टैंड है। और तीसरी चीज़ है ये, अच्छा उसकी डंडी जो हम पाइप में, हम इसको कर्टेन को लगाएंगे। तो तीन पाइप है, तीन मतलब कितना है ये, तो आई थिंक 2 फीट का है, तो 2 और 3 है तो 6 फीट का, आई थिंक 8 फीट का है, 9 फीट का है। ओके, और इतनी मजबूत है, माय गॉड, ग्रेट हिफिन। हिफिन वाले को थैंक्स बोलते हैं कि बहुत बढ़िया क्वालिटीज है। तो फिर हम बाद में मिलते हैं, ये कर्टेन आपको पूरा दिखाएंगे। हेलो गाइस, तो फिर इसमें हाउ टू असेंबल हम कैसे करेंगे, तो इसमें कागज भी दिया और ये असेंबल कैसे करेंगे। स्टैंड दिया है, स्टैंड को जॉइंट करना है, 2 स्टैंड के आमने सामने और बीच में पाइप लगाना है। पाइप के अंदर हम कर्टेन लगाएंगे, कर्टेन हम जॉइंट करेंगे, उसके बाद ये लुक्स आएगा।
तो फिर हम ये लुक्स करके हम आप वापिस आपके पास आते थे। हेलो फ्रेंड्स, तो ये हिफिन कंपनी का जो मैंने लिया है हिफिन स्टोर से, अमेज़न से लिया है, ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड विथ स्टैंड 8 फीट और 12 फीट वाइड, ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड विथ 9 फीट और 12 फीट वाइड फ़ोटो बैकग्राउंड स्टैंड है। फ़ोटो बैकड्रॉप स्टैंड किट इंक्लूड कैरी बैग भी है। तो ये मैंने 2399 रुपीज़ में मंगवाया है और बहुत कम कीमत में मिली है और बहुत मजबूत है, बहुत बढ़िया है। हम 4 लोगों का उस पर शूटिंग कर सकते हैं, 4 लोग एक साथ में कर सकते हैं खड़े रहकर और बैठकर भी। तो हेलो गाइस, तो ये हमारा फाइनल हो गया। मैंने मेरे घर पे ये बताया है, तो थोड़ा बहुत अभी जगह थोड़ी छोटी पड़ेगी, मगर हमारे स्टूडियो में हम काम करेंगे तभी इसकी जगह, आई थिंक 20x20x की तो जगह चाहिए। तो इतना बड़ा है, इधर हम 4 लोग तो आ जाएंगे शूट करते वक्त, तो अच्छा शूटिंग होगा। और हाइफिन का जो ये कर्टन है, मटेरियल भी बहुत अच्छा है, और ये जो पाइप है वो भी बहुत मजबूत है, अच्छी है। तो बस देखिए, हमारा भी इससे काम स्टार्ट होगा, अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, हम ये दूसरी बार येलो का कर्टन बता रहे हैं, और ये कितना, मतलब कितना स्क्वायर फीट है हमारा, तो ये घर की चौड़ाई भी 10 फीट और 11 फीट से 10 to 12 है, तो इसमें मांड आया है। अभी मैं इसमें आई हूँ इस कर्टन में, तो मैं एडिटिंग करके बताती हूँ कि मैं कैसी दिखती हूँ। चलो तो हम इसका एंजॉय करें। और थैंक यू हाइफिन, आपने बहुत अच्छी प्रोडक्ट भेजी है, और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक भेज दूंगी कि कहाँ से ली है मैंने, और फिर आपको चाहिए तो आप भी ले सकते हो और अच्छा शूटिंग हो सकता है। तो हेलो गाइस, तो ये हमारा फाइनल हो गया। मैंने मेरे घर पे ये बताया है, तो थोड़ा बहुत अभी जगह थोड़ी छोटी पड़ेगी, मगर हमारे स्टूडियो में हम काम करेंगे तभी इसकी जगह, आई थिंक 20x20x की तो जगह चाहिए। तो इतना बड़ा है, इधर हम 4 लोग तो आ जाएंगे शूट करते वक्त, तो अच्छा शूटिंग होगा। और हाइफिन का जो कर्टन है, मटेरियल भी बहुत अच्छा है, गाइस। आज मेरा व्लॉग कैसा लगा आप मुझे बोलना। मैं विफिन का अमेज़ोन से लिया है, और बताना का आपको कैसा लगा। तो मेरा व्लॉग प्लीज़ आप ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।